हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मोम पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको शेजवान चटनी की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे हम पराठे, फ्रेंकी रोल्स या मोमोज किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और हम इसमें किसी तरह के कोई प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए साबुत लाल मिर्च, आप चाहें तो इसमें आधी कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। ये मैंने 50 ग्राम ली है और इनको हम 15 से 20 मिनट सिंपल पानी में डिप करके रखेंगे। और इसको अब हम 15 से 20 मिनट गैस सिम करके उबलने के लिए रख देंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये अच्छे से उबल गई है, छूकर देख सकते हैं, ये गल भी गई है अच्छे से। अब हम इसको छानकर ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम अपनी मिर्च को मिक्सी में पीस लेंगे। इसका छानकर हमने जो पानी निकाला था वो हम बाद में इसी में ऐड कर लेंगे। और अब हमें इसको थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बहुत बारीक हमें नहीं पीसना है। ये देखिए, अब हम इसको पीस लेते हैं। हमारी मिर्च पीस कर तैयार हो गई है। मैंने इसको थोड़ा दरदरा रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम अपने पैन में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे, कोई भी तेल जो आप यूज करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा तेल ज्यादा ही चाहिए होता है, जैसे हम अचार में डालते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। ऐसे ही हम इस चटनी में डालते हैं। हम तेल को थोड़ा गरम करेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन जो हमने बारीक काट कर रखा था वो डालेंगे। अब हम इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच अदरक डालेंगे जो हमने बारीक कट करके रखा था, और इन सबको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, उससे हमारे चटनी में या सॉस में थोड़ा कड़वाहट आ जाएगी। तो बस हम थोड़ा सा भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए, बस हम इसको इतना ही भूनेंगे। अब गैस हम कम कर देते हैं और इसमें अपनी मिर्ची का पेस्ट ऐड करते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिर्च छानने के बाद जो हमारा पानी बचा था उसको भी हम इस तरीके से अपने मिक्सी में डालकर इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे।
दो बड़े चम्मच टमाटो सॉस, एक से 1.5 चम्मच सिरका जो इसे प्रिजर्व करके रखेगा, हम इसमें आधा चम्मच सोया सॉस डालेंगे या 1 छोटा चम्मच। चाहें तो इसमें सेलरी भी डाल सकते हैं, आज मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। और अब इसको हम थोड़ा धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हम 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही धीमी आंच पर पकने देंगे। ये देखिए इसमें साइड में तेल आने लगा है, इट मींस हमारी चटनी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा कर किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे और आप इसे आराम से 30 से 40 दिन तक यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती। देखिए हमारी शाजवान चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और हमने इसमें किसी भी स्टार्च का या कॉर्नफ्लावर का कोई यूज नहीं किया है, आपने देखा है। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे मोमोज के साथ या बर्गर चटनी के रूप में या पिज्जा के साथ या पराठे के साथ आप इसको कैसे भी खा सकते हैं। ये फ्रेंकी रोल्स के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कुकिंग से रिलेटेड मेरी कुछ वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लें। थैंक यू।